अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्कूल्स। गाइस, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का असिस्टेंट मैनेजर एम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर 18 मई 2021 को ये पेपर कंडक्ट हुआ है। कैरियर जॉब 91 के थ्रू ये पेपर कंडक्ट हुआ है। तो इस पेपर के क्वेश्चन को हमने डिफरेंट लोकेशन से, डिफरेंट जगह से इस पेपर के क्वेश्चन को हमने कलेक्ट किया है। हमारी मैंने पूरी कोशिश की है इस पेपर को बेहतर से बेहतर तरीके से कंपाइल कर सकूँ। तो वह तमाम फ्रेंड जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सकें। तो फ्रेंड, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, अ माइक्रो स्ट्रिप लाइन इज एनालॉगस टू। तो किस किस साथ वो एनालॉगस करती है? ऑप्शन ए में कहता है जी सीरीज वायर लाइन, पैरेलल वायर लाइन, बोथ सीरीज एंड पैरेलल वायर लाइन, या फिर कोई ऑप्शन टू नहीं है। तो हमारे पास जो माइक्रो स्ट्रिप लाइन है वो एनालॉगस टू दी ऑप्शन नंबर बी पैरेलल वायर लाइन की तरह, वो उसी की तरह एनालॉगस है। या ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन 1 का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। माइक्रो स्ट्रिप लाइन इज एनालॉगस टू द पैरेलल वायर लाइन, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव डू नॉट एग्जिस्ट इन अ वेव गाइड। तो वेव गाइड में कौन से किस टाइप की वेव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो डिफरेंट टाइप्स हमारे पास वेव गाइड होते हैं, सर्कुलर वेव गाइड, रेक्टेंगुलर वेव गाइड। तो कौन सी हमारे पास जो वेव्स होती हैं, बेसिकली टीएम वेव्स, टीई वेव्स, ट्रांसफर मैग्नेटिक वेव, ट्रांसफर इलेक्ट्रिक वेव्स। तो हमारे पास जो टीएम वेव्स होते हैं, ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो बेसिकली ये इसमें वेव गाइड में एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं वो टीएम और टीई वेव्स, लेकिन ये कंबाइंड टीएम वेव्स एग्जिस्ट नहीं करती। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन डी इज़ ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एन एंटीना इज सिनोनिमस टू, ऑप्शन ए जनरेटर, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर सी रेगुलेटर, ऑप्शन नंबर डी रिफ्लेक्टर। तो इसमें हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, एन एंटीना इज सिनोनिमस टू ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डायरेक्टिविटी गेन डिपेंड्स अपॉन। तो एंटीना के चैप्टर में से ये क्वेश्चन है। तो जो डायरेक्टिविटी गेन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएटेड पावर इन अ फ्री स्पेस, ऑप्शन बी सॉलिड एंगल ऑफ रेडिएटेड फील्ड पैटर्न, या फिर ये दोनों ऑप्शन ट्रू हैं। तो इसमें राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर बनता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेडिएटेड पावर इन अ फ्री स्पेस, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्म फैक्टर ऑफ डीसी। तो फॉर्म फैक्टर बेसिकली इज द रेशियो ऑफ एवरेज वोल्टेज टू द आरएमएस रेशियो, द आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। तो फॉर्म फैक्टर किसके इक्वल होता है? ये क्वेश्चन भी एनटीएस में कई मरतबा आ चुका है। एवरेज वैल्यू डिवाइडेड बाई द, बल्कि आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाई द एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू बाई द एवरेज वैल्यू। तो ये फॉर्म फैक्टर में ये कई बार इसका ये रिलेशन भी कई मतलब आ चुका है। तो डीसी का यूनिट जो फॉर्म फैक्टर होता है वो ऑलवेज यूनिटी होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। तो यहाँ पर ये जो आंसर दिया गया ये इनकोरेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर सिक्स है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द डिफरेंस बिटवीन पी एंड एंड एफ एम, पी एम और एफ एम में मेन डिफरेंस क्या है? आप ये नहीं में देखते हैं लाइज इन दी पुअर ऑडियो रिस्पांस ऑफ फेस मॉडुलेशन, ऑप्शन बी इज़ टू ग्रेट टू मेक द टू सिस्टम कंपैक्टिबल, ऑप्शन नंबर सी इज़ प्योरली थ्योरेटिकल बिकॉज द प्रैक्टिकली बोथ आर आइडेंटिकल, ऑप्शन नंबर सी में कहता है लाइज इन द डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ द मॉडुलेशन इंडेक्स। तो फ्रेंड, इसमें हमारा राइट आंसर मिलता है लाइज इन द डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ द मॉडुलेशन इंडेक्स इज़ अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है द क्लास से एम्पलीफायर इज़ यूज्ड। तो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन तो इस क्वेश्चन के गिवन नहीं है, इसके एक ही ऑप्शन गिवन है लो डिस्टॉर्शन, लो डिस्टॉर्शन रिक्वायरमेंट्स, ऑप्शन बी सी के इसमें राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए लो डिस्टॉर्शन रिक्वायरमेंट्स। तो फ्रेंड्स, ये पावर एम्पलीफायर की टाइप है, क्लास से एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, एम्पलीफायर की हमारे चैनल की एम्पलीफायर की प्लेलिस्ट पर जाकर आप तमाम एम्पलीफायर के बारे में देख सकते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, तो कंप्लीट वीडियो वहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन इंशाल्लाह गलत नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे ख्याल से इसमें राइट आंसर बनेगा, लो डिस्टॉर्शन रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कपलिंग गिव द हाइएस्ट गेन। तो इसके बाद कपलिंग एम्पलीफायर जो है तम उनके बारे में ऑलरेडी बना चुका हूँ, मल्टी स्टेट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में,
तो ट्रांसफार्मर कपलिंग, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, डायरेक्ट कपलिंग, इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो जो हमें हाईएस्ट कपलिंग गेन मिलता है वो ट्रांसफार्मर कपलिंग में मिलता है। तो इसमें आपने याद रखना है कि इसमें इंपेडेंस मैचिंग सबसे बेस्ट इंपेडेंस मैचिंग जो होती है वो ट्रांसफार्मर कपलिंग में होती है। ये क्वेश्चन भी कई मरतबा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आज राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर, ट्रांसफार्मर कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच आर द फॉलोइंग इज यूज फॉर कपलिंग द माइक्रोवेव एनर्जी। माइक्रोवेव एनर्जी को कपलिंग करने के लिए कौन सी डिवाइस को यूज किया जाता है, रेजोनेटर, वेव गाइड, डायरेक्शनल कपलर। ऑप्शन डी, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में थोड़ी कन्फ्यूजन है, इस क्वेश्चन को आप भी सर्च कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्शनल कपलर, कपलर को यूज़ किया जाता है माइक्रोवेव एनर्जी को कपल करने के लिए। तो बहुत बुक्स के अंदर इसका राइट आंसर ये वेव गाइड भी दिया गया है, लेकिन इसमें राइट आंसर बनता ऑप्शन नंबर सी इज़ अ डायरेक्शनल कपलर को यूज़ किया जाता है टू कपल दी माइक्रोवेव एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द स्लो रेट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज इंडिकेट्स। तो इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्लीव रेट्स के बारे में। इससे प्रीवियस एग्जाम में कई मरतबा क्वेश्चन आ चुके हैं। स्लीव रेट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ऑप्शन नंबर सी, बोथ इनपुट आउटपुट इनपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऑप्शन नंबर जो ए हमारा जो है वो राइट आंसर बनता है। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज, स्लीव रेट जो बनेगा एस इज इक्वल टू द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ पर वी आउट होगा वी नॉट, या फिर वी आउट डिवाइडेड बाय डेल टी। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टाइम, टाइम के लिहाज से चेंजिंग के, और इसके जो यूनिट के बारे में भी कई मरतबा क्वेश्चन आया है, वोल्ट पर माइक्रो सेकंड इसकी यूनिट है। इसको आपने याद रखना है फ्रेंड, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है और इसमें न्यूमेरिकल भी समटाइम्स आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बनेगा मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, डार्लिंगटन पेयर एक्ट हैज़। तो डार्लिंगटन पेयर के बारे में इससे पहले भी कई मरतबा क्वेश्चन आ चुके हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन ऑप्शन तो हमारे पास नहीं है, इसके मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ। डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर कन्फिग्रेशन इज आल्सो नाउन हैज़ अ डार्लिंगटन पेयर आर सुपर एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ टू एनपीआर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर टुगेदर दैट द इमिटर करंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिस्टर TR1 बिकम द बेस ऑफ करंट ऑफ द सेकंड ट्रांजिस्टर। जो पहले ट्रांजिस्टर का बेस करंट है वो सेकंड ट्रांजिस्टर के बेस पे है। इस दिन दी ट्रांजिस्टर TR1 इज कनेक्टेड एज इमिटर फॉलोअर एंड TR2 इज इमिटर फॉलोअर एम्पलीफायर। तो डार्लिंगटन पेयर ये कनेक्शन आप देख सकते हैं, ये डार्लिंगटन कनेक्शन है। एक पीएनपी और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर के थ्रू है, ये देख सकते हैं ये पीएनपी ट्रांजिस्टर के थ्रू है। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर एनपीएन है, ये दोनों ट्रांजिस्टर पीपी हैं। तो इसमें आप ये देख सकते हैं, ये इसका कलेक्टर जो है इसके कलेक्टर के साथ कनेक्ट है। यहाँ पर भी इसमें देखते हैं इसका कलेक्टर, दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर आपस में कनेक्ट हैं। तो बोथ कनेक्टर्स को कनेक्ट किया जाता है, ये क्वेश्चन भी कई मरतबा आ चुका है। इसका मकसद ये होता है दोनों ट्रांजिस्टर का गेन आपस में मल्टीप्लाई करके हमारे पास हाईएस्ट गेन मिल जाता है। और ये देख सकते हैं IC इज इक्वल टू IC1 प्लस IC2 β1 इंटू IB प्लस β2 इंटू IB। तो इसका गेन जो होता है दोनों ट्रांजिस्टर का कंबाइन मल्टीप्लाई हो जाता है और हमें हाईएस्ट गेन मिल जाता है। डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर पेयर कैन बी रिगार्डेड एज सिंगल ट्रांजिस्टर विद अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ द बीटा एंड कॉन्सिक्वेंटली हाई आउटपुट रेजिस्टेंस। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ है, तो हमें जो इसके डार्लिंगटन पेयर का फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास हाई वोल्टेज गेन हमें मिल जाता है, करंट गेन जो मिलता है बीटा उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। तो इसका ये फ़ायदा होता है, इसको आपने याद रखना है, इसमें से भी कई मरतबा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिव फिल्टर एम्प्लाइज। तो फ्रेंड्स फिल्टर्स के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, एनालॉग फिल्टर, डिजिटल फिल्टर, एनालॉग फिल्टर की फर्दर टाइप्स हैं आगे, लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर, इस तरह डिफरेंट टाइप्स आगे बनती हैं। एनालॉग फिल्टर की टाइप हैं, डिजिटल फिल्टर की टाइप्स हैं। तो इसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ, एनालॉग फिल्टर्स के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इनकम लोकेशन प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। एनालॉग फिल्टर में भी क्लासिफाइड है इधर पैसिव और एक्टिव एंड आर यूजली इंप्लीमेंटेड विद RLC कंपोनेंट्स विद ऑपरेशन एम्पलीफायर, इसकी डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। एक्टिव फिल्टर जो है इज़ वन डैट अलॉन्ग विद RLC कंपोनेंट एंड ऑल्सो कंटेन एनर्जी सोर्स। तो एक्टिव फिल्टर में हमारे पास RL और C कंपोनेंट होते हैं, इसके अलावा एनर्जी सोर्स को भी यूज़ किया जाता है। इस तरह पैसिव फिल्टर के अंदर सिर्फ RLC कंपोनेंट होते हैं और उसमें कोई भी एनर्जी सोर्स को यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें लाजमी नहीं है कि तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट हों। ताकि जो एक्टिव फिल्टर में ये RLC कंपोनेंट्स लाजमी प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो पैसिव फिल्टर इसमें ये लाजमी नहीं है कि इसमें ये तीनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट हों। तो ये इसमें फ़र्क है, इसको याद रखना है। एक्टिव फिल्टर इम्प्लाइज RLC एंड कंपोनेंट एंड ऑल्सो कंटेन एनर्जी सोर्स। तो इसमें मेरे ख्याल से ये ऑप्शन बनता था, तो इसको आपने याद रखना है।
फ्रेंड्स, इसकी डिटेल आप हमारी यूट्यूब वीडियोस में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ आई आर फिल्टर हैज नो लीनियर रिस्पांस इन इट्स पास बैंड। तो FIR फिल्टर, फाइनाइट इंपल्स रिस्पांस और इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पांस IIR फिल्टर, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो FIR फिल्टर है, इसका जो रिस्पांस पास बैंड के अंदर लीनियर नहीं होता, तो इस बारे में ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन गिवन नहीं है, लेकिन इसको डिटेल में देख लेते हैं। FIR फिल्टर और IIR फिल्टर, तो IIR इनके, तो ये इनका स्टैंड फॉर आप देख सकते हैं। तो याद रखना है आपने, जो इसमें हमारे पास जो है फीडबैक FIR फिल्टर में प्रेजेंट होता है, इसी तरह इसमें एबसेंट होता है FIR फिल्टर में, और IIR फिल्टर जो होता है इसमें फीडबैक प्रेजेंट होता है। लेकिन इसमें FIR फिल्टर में मोर स्टेबिलिटी होती है एज़ कम्पेयर टू द IIR फिल्टर। तो ये तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं, अभी आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन FIR फिल्टर के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेमोरी चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू द IIR फिल्टर। सेंसिटिविटी के बारे में भी देख सकते हैं, तो इसके बारे में आपने याद रखना है। तो इसका जो बेसिस, इसका जो इंपल्स रिस्पांस होता है FIR फिल्टर का, वो फाइनाइट होता है, और IIR फिल्टर का इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पांस होता है, और इसमें इसके लेस सर्किटरी इसमें रिक्वायर्ड होती है IIR फिल्टर में। तो ये तमाम इसके यूज़ हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन इसका रिस्पांस होता है लीनियर होता है FIR फिल्टर का, और इसका नॉन लीनियर होता है, नॉन लीनियर रिस्पांस। लेकिन पास बैंड के अंदर की उसने बात की है, पास बैंड के अंदर इसकी रिस्पांस नॉन लीनियर होता है। तो इसके ऑप्शन तो गिवन नहीं है, लेकिन इसी क्राइटिस्टिक्स को आप याद रखने, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच आर द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट डिजिटल डेटा टू एनालॉग सिग्नल। डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल की बात की गई, ऑप्शन ए में कहता है FM AM PM, ये बेसिकली एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन टेक्निक। इस तरह लाइन कोडिंग स्कीम जो है डिजिटल टू डिजिटल है, PAM और PCM जो है ये बेसिकली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन टेक्निक है। डिजिटल टू डेटा टू एनालॉग की हमने बात की, और उनसे पूछा डिजिटल डेटा को एनालॉग में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तरह जो ऑप्शन नंबर डी में कहता है ASK FSK और PSK के बारे में उसने पूछा है। तो फ्रेंड, इसमें हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बनेगा। तो ASK PSK जो बेसिकली जो ये डिजिटल टू एनालॉग की मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है। 14 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। तो इस तरह एनालॉग टू एनालॉग ये ऑप्शन ए FM AM और PM को यूज़ किया जाता है, डिजिटल टू डिजिटल की लाइन कोडिंग, एनालॉग टू डिजिटल को PAM और PCM को यूज़ किया जाता है। इसी तरह जो ASK FSK और PSK ये बेसिकली डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, डिजिटल डेटा टू एनालॉग सिग्नल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर बनता है, ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह चलते। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है इन IC डिज़ाइन द रेजिस्टेंस यूज इन द फॉर्म ऑफ। तो IC फैब्रिकेशन प्रोसेस होता है IC डिज़ाइनिंग के अंदर, रेजिस्टेंस को किस फॉर्म में यूज किया जाता है, इसके हमारे पास ऑप्शन गिवन नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आपने खुद सर्च करना है, और कमेंट्स में क्या आपने इसका ऑप्शन को बताना है, और आंसर भी आपको अगर पता है तो आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक इज़ यूज। तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक को कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इस बारे में ये क्वेश्चन है। इसके बारे में आप डिटेल देख सकते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन टेक्निक इज टू प्रिवेंट द इंटरफेरेंस, वेदर इट्स इंटरनेशनल विद इंटरनेशनल एंड यूनी इंटरनेशनल। तो इसके बारे में इंटरफेरेंस को बेसिकली प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है। डिस्क्रिप्शन को आप देख सकते हैं। द सिग्नल मॉड्यूलेटी विद दीज टेक्निक्स आर हार्ड टू इंटरफेयर, कैन नॉट बी जैम्ड। तो जो सेपरेट स्पेक्ट्रम की तकरीम के जो सिग्नल जो जनरेट किए जाते हैं, उसको इंटरफेयर और जैम करना, जैमर लगा के उसको जैम करना काफ़ी मुश्किल होता है बाई यूजिंग सेपरेटिंग टेक्निक। तो इसके बारे में डिटेल आप पढ़ सकते हैं ये। तो इंटरफेरेंस को प्रिवेंट करने के लिए मिलिट्री फोर्सेज होती हैं, वो ज़्यादातर इसको यूज़ करती हैं सेपरेट स्पेक्ट्रम टेक्निक्स को, ताकि सिग्नल को जाम नहीं किया जा सके, उसमें इंटरफेयर ना पैदा किया जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच आर द फॉलोइंग लोड इज नॉर्मली नीड्स स्टार्टिंग टॉर्क मोर देन द रेटेड टॉर्क। ऑप्शन ए ब्लोअर्स, ऑप्शन बी कन्वेयर्स, ऑप्शन नंबर सी एयर कंप्रेसर। तो कन्वेयर बेल्ट जो होते हैं बेसिकली, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। तो 17 क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बफर एम्पलीफायर इज यूज टू। फ्रेंड, इसके ऑप्शन गिवन नहीं है, लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। टिपिकली करंट बफर एम्पलीफायर इज यूज ट्रांसफर अ करंट फ्रॉम वन फर्स्ट सर्किट हैविंग अ लो इंपीडेंस लेवल टू अ सेकंड सर्किट विद हाई इंपीडेंस लेवल। दिस इंटरपोज्ड बफर एम्पलीफायर प्रिवेंट द सेकंड सर्किट फ्रॉम द लोडिंग द फर्स्ट सर्किट करंट अनएक्सेप्शनली एंड इंटरफेयरिंग विद इट्स डिजायर्ड ऑपरेशन। तो इसको डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, इसके ऑप्शन गिवन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग ई सी एल इज़ रिमूव्ड फॉर, इमीटर कपल लॉजिक की बात, ये देखो ऑप्शन इसके गिवन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए एम मॉडुलेशन द निवेलप वैल्यू डबल दी अन मॉडुलेटेड कैरियर लेवल, दी मॉडुलेशन इज ऑप्शन नंबर डी 100% राइट आंसर। तो ये इसमें एम एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन का चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बुक है जो होंडा की, उसमें से ये क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 21 द लॉस ऑफ 6 dB पावर इज इक्वल टू, इसमें गिवन नहीं है, इसके ऑप्शन नहीं गिवन है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है हमारे पास, उसके ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमारी डेली जॉब्स अपडेट्स या फिर न्यूज़ वगैरह आती रहती हैं। तो फॉर प्रिपरेशन के लिए, इसके ज़्यादा ज़्यादा से अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट आप कामयाब इंजीनियर .com पर जाके वहाँ से डिटेल देख सकते हैं तमाम चीज़ों की। थैंक यू सो मच।